तो दोस्तों ये मैंने जो है ये 36 वाट का जो है आरसी ड्राइवर बनाया है। देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे देख सकते हैं डायोड है और उसके बाद पीएफ है, कैपेसिटर है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये हम यहाँ पे डिफ्यूज़र को इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। ये 36 वाट का है और यहाँ पे देख सकते हैं चार हमने जो है SMD PCB प्लेट जो है 9 वाट का यूज किया है। देखिए 9 वाट 9 वाट 9 वाट 9 वाट मतलब 18 18 दूना 36, ठीक है। अब जो इसे हम रखते हैं उसके बाद हम इसे जला करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया है इसे। अब इसे ये देखिए, अब इसे हम लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है JKR टीम ब्लॉगर है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, तो प्लीज़ उसको भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं JKR टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 36 वाट का जो है आरसी ड्राइवर कैसे बनाना है, जो एलईडी बल्ब वाला जो आरसी ड्राइवर होता है वो 36 वाट में कैसे बनाना है, ठीक है। और इसमें जो जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे, जो जो पार्ट्स को हम यूज करेंगे, इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि है ना, से यहाँ पे LED जो हाउसिंग है वो है, कवर है उसका, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर जो है PF को शॉर्ट करने के लिए 1 MΩ का रजिस्टर है, ठीक है। और ये जो MCPCB जो है, ये देखिए MCPCB, तो इसमें से हम 36 वाट जो है हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप जो डायोड देख रहे हैं और यहाँ पे आप PF देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने बनाने वाले हैं RC, 36 वाट का जो RC ड्राइवर होता है वो बनाएंगे और 36 वाट का जो है जो MCPCB जो है SMD प्लेट वो हम जला करके आपको दिखाएँगे, ठीक है। और ये कैबिनेट में भी फिट करके आपको हम दिखाएँगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है डायोड लेना है, तो डायोड जो है आपको चार ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर से जो है आप डायोड चार निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से चार डायोड जो है हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों डायोड के भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो है हमने चार डायोड ले लिया है, ठीक है। 9 वाट वाले अगर ड्राइवर बनाते तो उसमें कौन सा डायोड आपको यूज करना है, और जो है आप 12 वाट से लेकर के 36, 40 वाट, 60 वाट तक के जो है आप बना रहे हैं तो कौन सा डायोड यूज करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। कौन सा कैपेसिटर यूज करना है ये भी बताएंगे। दोस्तों उससे पहले ना दोस्तों डिस्प्ले पे जो शो हो रहा होगा आपको एक स्क्रीन पे, वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं जिसमें हमने डायोड के ही मतलब डिटेल्स के बारे में हमने बताया है कि कौन सा वाट पर जो है कौन सा आप डायोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी को देखिए, इसलिए कि आप जब भी बना रहे हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं LED ड्राइवर, RC ड्राइवर, तो आपको दोस्तों ये डायोड वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर दोस्तों डायोड वाला वीडियो आपने नहीं देखते जिसमें हमने एक्सप्लेन करके बताया कि हाफ वाट कौन है और 1 वाट कौन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो डायोड आपको दिख रहा है, IN4007 का दोनों ही डायोड है, लेकिन आपको एक वायर डायोड जो है ज़्यादा थिकनेस में है, मोटा में है, और एक डायोड जो है पतला में है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है, आप इससे ज़्यादा एम्पियर प्राप्त कर सकते हैं और ये वाला जो है इससे कम एम्पियर, मतलब इससे ज़्यादा वाट आप प्राप्त कर सकते हैं आउटपुट, और इससे जो है कम आउटपुट जो है आप वाट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण जो है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि वो जो हमने डिस्प्ले पर दिखाया वो एक बार जो है आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप जब RC ड्राइवर बना रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं और जो है आप बात करते हैं ब्रिज कैसे बनाना है। तो दोस्तों ब्रिज बनाने के लिए डायोड आपको लेना है, देखिए आप कौन सा चरकोन वाला बनाना चाहते हैं डायोड, या कोई भी टाइप का डायोड बनाना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं, उसका भी यानी से हमने अलग से वीडियो बना रखा है अलग अलग टाइप का ब्रिज, तो उसका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं और जो सीख सकते हैं कि ब्रिज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दो डायोड लेना है, दोनों डायोड का जो है आपको एक देख लीजिए, ये वाला जो है इस तरह से आपको लेकर के इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है, आपको मोड़ लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम कैसे मोड़ते हैं, उसके बाद जो है आप है ना से आसानी से जो है ब्रिज को बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, ये देखिए ये हो गया, और ये दूसरा वाला डायोड हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा वाला डायोड लिया है दोस्तों, उसमें जो है हमने
देख लीजिए यहाँ पे डायवोट का भी, अगर आप गूगल पर आप सर्च मार के डायवोट का सिंबल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये कैथोड है और इधर एनोड है, मतलब ये जो सिल्वर कलर का जो है, ये देख लीजिए, ये दोनों सिल्वर कलर का हम एक साइड जो है यहाँ पे मोड़ दिए हैं, तो इसमें जो है इस वाले डायवोट में जो है ब्लैक साइड में हम मोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैक साइड में हम इस तरह से मोड़ देंगे, ये देखिए देखिए इस तरह से ब्लैक साइड में हम मोड़ देंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो है ब्रिज का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो इसे भी अब जो है मोड़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है बन करके तैयार है, ठीक है। तो आप इसे सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम फटाक से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सोल्डिंग कर लेना है, ये देखिए इस तरह से सोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो है ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज करने वाले हैं वो ये देखिए, ये कैपेसिटर, मतलब ये देखिए 120 वोल्ट का कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम पीएफ जो यूज करेंगे 155 के, देख लीजिए यहाँ पे 155 के का जो है हमने यहाँ पे पीएफ यूज करेंगे, ठीक है। ये
लाइन पे चेक करना है, ठीक है। तो पहले हम सीरीज पे चेक करेंगे, इसलिए कि अगर कोई भी इसमें फोल्ड होगा तो हमारा जो है सीरीज बल्ब जलने लगेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कंपोनेंट में कुछ गड़बड़ है, तो आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप एसी में लगा देते हैं तो आपका एसएमडी पीसीबी प्लेट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है एसएमडी पीसीबी प्लेट ख़राब हो जाएगा और पीएफ और ये कैपेसिटर ये सब जो है फटने उठने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है हम लगाते हैं सीरीज में, ठीक है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 18 वाट का रोशनी है, इतना ज़्यादा रोशनी है, अब बहुत ज़्यादा रोशनी है इसके अंदर, ठीक है। आप जब खुद से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे जो है कैबिनेट में फिट करते हैं, उससे पहले आपको हम वोल्टेज जो है चेक करा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास मीटर है, मीटर पे आपको जो है ये 200 वोल्ट पे रखना है, ठीक है। 200 वोल्ट पे रखने के बाद ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसे हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि 113 वोल्ट जो है ये निकाल रहा है, ठीक है। 113 वोल्ट जो है ये निकाल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगाया है, 120 वोल्ट का, 100 यूएफ माइक्रोफारेड का, और यहाँ पे जो वोल्टेज निकल रहा है वो 113 निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो है सर्किट सही है और वोल्टेज भी सही है। अब ब्राइटनेस इसका देख सकते हैं, ठीक है। आपके वोल्टेज के हिसाब से इसको ब्राइटनेस आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसे जो है कंपोनेंट को जो है, अब दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे कि जब लाइन में से निकालते हैं ये थोड़ा सा एलईडी ग्लो होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों हमने जो है आपको दिखाया है ये इस पर दिखाया है, ठीक है। सीरीज पे आप जो है मेन लाइन पे हम दिखाते हैं, ठीक है आपको। तो ये हमने लगा दिए, यहाँ स्विच देते हैं, ये देखिए, तो ये मेन लाइन पे है, ठीक है। वोल्टेज भी उतना ही रहेगा, एक बार और चेक कर लेते हैं इसका वोल्टेज, तो 113 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सही है कंपोनेंट। और उसके बाद जो है इसे जो है हाउसिंग में फिट करना है, ठीक है। ये जो है, हाउसिंग में हमें फिट करना है, ठीक है। तो डिफ्यूज़र को हम खोल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो है इस कंपोनेंट को इसके अंदर फिट करेंगे, तो फिट करने के लिए दोस्तों ये इतना लंबा है तो ये फिट हो नहीं सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे छोटा करना होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर का साइज और ब्रिज का साइज सही है, बस पीएफ जो है पीएफ को हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप ठीक है। तो ये देखिए, अब एक बार होल्डर पर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बल्ब को जलाने के लिए चिमटी का हम इस्तेमाल लेंगे, ठीक है। तो इसे हम निकाल देते हैं और इसे जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये वाला जो है अब हम यहाँ पे चिमटी लगाते हैं,
तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसे जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे भी। ये 36 वाट का है, RC ड्राइवर है, LED बल्ब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।